जी बिल्कुल अचानक नहीं हुआ जी, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जिसके नतीजे में ये इनवाइट आया, और उसमें जो सबसे अहम बात है वो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की एग्जिस्टिंग सऊदी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कद्र दूरी। दो अहम वाकयात हुए जिससे पहले पाकिस्तान को इनवाइट किया गया, और आप ये रीसेंट कन्वर्जेंस देख रहे हैं। एक तो जाहिर है कि यमन वॉर में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने आते ही अपनी सपोर्ट उस तरह से सऊदी अरब को नहीं दे रहा जिस तरह के वो देते थे, बल्कि उन्होंने एयर कवर वापस दे दिया है। दूसरी अहम बात ये हुई कि वो जो सऊदी जर्नलिस्ट थे जिनकी असैसिनेशन हुई थी इस्तांबुल में, उसके हवाले से अमेरिका ने एक बहुत डैमेजिंग रिपोर्ट डीक्लासिफाई की, लेकिन पाकिस्तान ने एक सपोर्ट लेटर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने सऊदी अरब के साथ दिया। तो सऊदी अरब की जो ये डिस्टेंसिंग हुई है यूनाइटेड स्टेट्स की नई एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, उसके बाद सऊदी अरेबिया ने अपने ताल्लुकात बहुत सारे फॉर्मर अलाइज के साथ ठीक किए, कतर के साथ भी, वो टर्की के साथ भी इंगेज हुआ है, यहाँ तक कि उसने ईरान के साथ भी सीक्रेट टॉक्स जो हैं वो होस्ट हुई हैं इराक में। पाकिस्तान जाहिर है कि बहुत ही दरीना ताल्लुकात हैं, और एक कन्वर्जेंस अब हमें होती हुई नजर आ रही है जिसके इशारे आपको मिल भी गए। पाकिस्तान के लिए जो इकोनॉमिक बेल आउट है वो आ रहा है सऊदी अरब की तरफ से, और पाकिस्तान जो है वो अस्करी सपोर्ट जो है वो सऊदी अरब को देगा। लेकिन उससे ज्यादा अहम बात यह है कि पाकिस्तान इज बैक इन द गेम, क्योंकि एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया था कि शायद सऊदी अरेबिया और यूएई जो है वो क्योंकि इंडिया के साथ कदर गुरबत में है तो ये कोई जीरो सम गेम है और पाकिस्तान इस रीजनल गेम से बाहर है। अब आपने देखा कि जनरल बाजवा सऊदी अरब में थे इमरान खान साहब के साथ, और फिर वहां हसूल अमन की बात हुई है, पीस प्रोसेस की बात हुई है अफगानिस्तान में भी, और वो फौरन काबुल चले गए। तो मैं आई वुड एक्चुअली लाइक टू से कि ये जो परसेप्शन था कि पाकिस्तान आइसोलेट हुआ हुआ है रीजनल पॉलिटिक्स में, वो अब बिल्कुल ख़त्म है। पाकिस्तान इज बैक इन टू द गेम, चाहे वो मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स हो चाहे वो साउथ एशियन। लेकिन डॉक्टर साहब, वो जैसे कि आपने खुद भी कहा और ये हुकूमती वज़रा भी शुरू में कहते रहे कि देयर इज नो फ्री लंच, अस्करी सपोर्ट किस लेवल की, किस यू लेवल वन लेवल टू, आप इसको ऑन द स्केल ऑफ 10 कहाँ इसको ग्रेड करेंगी आप? क्योंकि इससे पहले भी अस्करी सपोर्ट मांगी गई थी, वो यमन जंग के लिए मांगी गई थी जो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं था। अब की बार अगर हम दे रहे हैं अस्करी सपोर्ट तो वो किस लेवल की होगी? देखिए, जो यमन की जंग की बात थी इस पे जाहिर है सऊदी अरब हमसे नाराज भी था, और वो पार्लियामेंट का फैसला था, और मेरा ख्याल है वो फैसला सही था, क्योंकि सऊदी अरब कहता था हम 72 घंटे में ये जंग खत्म करेंगे और आज 3 साल हो गए एंड इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि 60 साल से पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो सर्व करती हैं सऊदी लैंड पर, और अभी भी जो कम्युनिके आया उसमें बिल्कुल वाजे तौर पर कहा गया है कि सऊदी अरब की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, क्योंकि वो कस्टोडियन है होली साइट्स का, हरमैन शरीफ का, तो पाकिस्तान कमिटेड है उसकी टेरिटोरियल सोवरेनिटी का। 1 से 10 का स्केल का आप इस बात से अंदाजा करें कि इस पूरी सूरत हाल में अगर ईरान से बातचीत शुरू हो गई है तो ये एज इज जो मिलिट्री एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है रीजन में वो खत्ते में नीचे लाएगी, क्योंकि यमन में आपको पता है कि सऊदी अरब का ये ख्याल है कि जो हूती अपराइजिंग है उसको पूरी इरेनियन सपोर्ट है। तो अगर पाकिस्तान ब्रिज बनता है इस इंटेंशंस को नीचे लाने में और ईरान से ताल्लुकात बेहतर होता हो जाते हैं तो फिर प्रॉक्सी वार की जरूरत खत्म हो जाती है। क्या ये डिमांड भी की गई है इस दौरे में डॉक्टर साहब पाकिस्तान से कि आप हमारी सालसी करवाएं? एक जुमला में और यहाँ पे कंप्लीट कर लूँ। देखिए, जो मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स है ना, वो बिल्कुल अमेरिका के मरहूने मिन्नत हो गई थी। दो अहम डेवलपमेंट्स हुई है, रशिया वापस आया है मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में, और शायद अब पाकिस्तान के थ्रू चाइना भी वापस आ सकता है, क्योंकि उस तरह से अब यूएस इन्वॉल्व नहीं होना चाहता मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में जिस तरह से वो इन्वॉल्व था।